नमस्कार दोस्तों, मैं बुलकित मोहन सिंगला, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम इस विषय में बात करेंगे कि सपने में खुद पर सवारी आते अपने आप को देखना, इसके क्या मायने होते हैं। किसी का सवाल था ये, तो आज इसी पर वीडियो बन रही है। दोस्तों सपने में खुद पे सवारी आना, यानी कि कोई ना कोई एनर्जी आपके ऊपर हावी हो रही है, आपके शरीर पे हक जमा रही है, आपको चाहे यूँ कह लो अगर पोजेशन हो रहा है, या यूं कह लीजिए कि आपने वो राइट दे दिया है उसको, वो आपके शरीर पे जो भी पैरानॉर्मल एनर्जी है या किसी भी तरीके की एनर्जी वो आपके ऊपर आ रही है। सबसे बड़ी मेन चीज़ इसमें समझने की है, क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है कि किस तरीके की सवारी आपके ऊपर सपने में आपने देखी है। अब जो लोग पितरों को पूजते हैं, पितरों को मानते हैं, या किसी पर्टिकुलर पितर की उपासना करते हैं, और वो पितर बहुत एक्टिव होता है, दिखाई देता है, कम्युनिकेट करता है इधर थ्रू ड्रीम सपनों के माध्यम से, या एक्चुअल में एज ए विजन्स आते हैं कि वो है ऐसा, तो कभी कभी वो शरीर पे आने भी लगता है, और धीरे धीरे वो पूरा पार्ट पोजीशन होते होते कंप्लीट पोजीशन शरीर पे बना लेता है। अक्सर बहुत सी स्थितियों में लोगों के साथ ऐसा होता है जो पितरों को पूजना शुरू कर देते हैं, या किसी पर्टिकुलर मृत परिजन से कम्युनिकेशन बनाए रखते हैं, उससे बातचीत करते रहते हैं खुद ही अयालों ख्यालों में, और फील करते हैं उसकी प्रेजेंस के वो कम्युनिकेट कर रहा है सपने में। तो धीरे धीरे उनका जुड़ाव इतना बढ़ता जाता है कि वो पर्टिकुलर परिजन कब शरीर पे आने लगता है पता ही नहीं लगता, और इसके संकेत वो सपने के माध्यम से भी दे देता है कि सपने में वो शरीर पे आ रहा है, तो ये सवारी उसकी भी हो सकती है। दूसरे केसेस में अगर फॉर एग्जांपल आप किसी देवी को, किसी पर्टिकुलर शक्ति को, किसी देवता को, कोई भी ऐसी स्पिरिचुअल एंटिटी जिसको आप पैरानॉर्मल एंटिटी के साथ साथ स्पिरिचुअल एंटिटी मानते हो, कि कोई उच्च बली आत्मा मानते हो, कोई कोई महान, कोई आपके गुरु हो, कुछ हो, कोई भी हो जिसकी सोल हो, उसको आप उसकी प्रेजेंस फील करते हो, उसको पूजते हो, उससे कम्युनिकेट करते हो, तो कभी कभी आपको उन वो भी अगर शरीर पर आने वाले हों या ऐसे मुकाम बन रहे हों, तो सिंबल्स के थ्रू या पहले से ही विजन इंट्यूशन के थ्रू सपनों में पता लगने लगता है कि हाँ वो पर्टिकुलर जिसको आप पूज रहे थे देवी देवता को, वो आपके ऊपर हावी हो रहा है, आने वाला है, या आ रहा है, या उसकी शक्ति आ रही है, या उसका साथ आ रहा है। तीसरी चीज़ होती है भूत प्रेतों का शरीर पे आना। अगर आप कोई भी पैरानॉर्मल एंटिटी के कब्जे में आ चुके हो, आपको पता नहीं है, पोजेशन हो चुका है या होने वाला है पता नहीं है, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके साथ लगी हुई है आपको पता नहीं है, या ऐसे संकेत मिल रहे हैं डेट कि कोई ना कोई पारलौकिक घटनाएं आपके साथ हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं कभी कभी जब वो पूरी तरह आपके शरीर पे हावी होने वाले होते हैं, तो हमें कभी कभी ऐसी इंट्यूशंस हो जाती हैं सपनों के माध्यम से, पता लग जाता है कि वो अनजान शक्ति, पारलौकिक शक्ति, चाहे आप उसे भूत प्रेत कह लो, वो आपके शरीर पे हावी हो रही है सपनों के माध्यम से, यानी कि वो पहले ही बता रही है कि सपनों पे आ रही है। कई दफ़ा वो आ चुकी होती है, बस उसको कम्युनिकेट कर रही होती है कि देखो मैं इस तरह आपके शरीर पे आ गई हूँ। अब हमेशा इस बात को समझने की देर है कि वो सपना कितना लंबा लास्ट किया, क्या सवारी आने के बाद आपने कोई प्रतिक्रिया दी सपने में, क्या आपने किसी पर्टिकुलर वे में एक्ट किया, क्या बहुत लोग जब सवारी आते झूमते हैं या उनके अंदर जो एनर्जी होती है बोलती है कि मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं कल्याण के लिए आई हूँ, या मैं डिस्ट्रक्शन करने आ रहा हूँ, नहीं मैं इसको लेके जाऊँगा, क्या क्या उन्होंने कम्युनिकेशन किया, या मैं घर का पितर हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी मैटर है कि क्या एनर्जी की सवारी आई है और वो क्या कम्युनिकेट कर रही है शरीर पर आने के बाद, उसी से पता लग सकता है कि ये कोई शक्ति, देविक शक्ति है, कोई आपके गुरु की शक्ति है, कोई आप कोई वैसे पैरानॉर्मल एनर्जी है, कोई भूत प्रेत है, या आपका कोई घर का पितर है। तो जब तक वो क्लैरिफाई ना हो, तब तक आप पूरी तरह कंक्लूजन पे नहीं आ सकते कि सवारी किसकी आ रही है। अक्सर कई दफ़ा सपने बहुत क्लियर होते हैं, आपको पता होता है, कई दफ़ा आप कैसी किसी पर्टिकुलर स्थान पे गए, सपोज इलाज कराने गए, या सपोज़ आप वैसे ही कहीं ढोक खाने गए, उसके बाद आपको सपने आने लगे कि आपके ऊपर सवारी आ रही है, तो कई दफ़ा वहाँ से एनर्जीज आ जाती हैं जो आपके ऊपर हावी होने लगती हैं, या उन साथ चल देती हैं और वो आप पे हावी हो रही होती हैं, वो सपने में आपको दिख जाता है। कभी कभी ये क्लियर नहीं होता कि सपने में किसकी सवारी आ रही है, हो सकता है आप किसी
हॉन्टेड प्लेस पे गए हो, कोई ऐसी जगह पे गए हो जहाँ भूता घटनाएं होती हैं, पारलौकिक घटनाएं होती हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, तब उसके बाद आपको भयानक सपने आ रहे हैं कि आपके ऊपर कोई हावी हो रहा है, उसकी सवारी आ रही है, तो वहाँ कोई ना कोई नेगेटिविटी हो सकती है, कोई भी डिमोनिक एनर्जी हो सकती है जो हावी हो रही है, जहाँ पे बिल्कुल ही क्लैरिफिकेशन नहीं है कि किसकी सवारी आ रही है, बस आपको लग रहा है कि आपके ऊपर कोई सवारी आ रही है एंड आप एबनॉर्मली बिहेव कर रहे हो या आपको लग रहा है कि यू आर नॉट इन योर ओन कंट्रोल, तो इस बात को समझिए कि कोई ना कोई एनर्जी है जो आपके साथ आ रही है। तो इस चीज़ को की रेलेवेंसी देखने का प्रयास करें, उन घटनाओं को तलब करने का प्रयास करें जो आपके साथ बीते दिनों में घटी हैं, कि आप कहाँ पे होकर आए हो जिसके बाद ऐसा हो रहा है, क्या आप किसी के घर गए थे उसके बाद ऐसा हो रहा है, क्या आप चौराहे पे आपके पैर पड़ा उसके बाद ऐसा हो रहा है, क्या आप पर्टिकुलर मंदिर में या कहीं किसी धार्मिक स्थल पे गए थे उसके बाद ऐसा हो रहा है, क्या आप किसी सुनसान वीराने में गए थे, कोई गलत जगह गए थे, ग्रेवयार्ड गए थे, शमशान गए थे, जंगल के पास कहीं गए थे जहाँ पे ऐसी चीज़ें हो सकती हैं उसके बाद ऐसा हो रहा है, क्या आपने किसी से कुछ लेके खाया था जिसके बाद ऐसा सपना आ रहा है। तो बहुत चीज़ें मैटर करती हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू नो कि आपके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती, कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई उसके साथ कारण जुड़ा होता है, और ये सारी चीज़ें एक स्टेप बाय स्टेप सीरीज़ में ही चलती हैं। तो अपने साथ आसपास होने वाली घटनाओं को समझने का प्रयास करें, तभी आप इस निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे। अक्सर ये सपने जस्ट एक बार के नहीं होते, ये कंटिन्यूएशन में आते हैं और इसमें अगली अगली स्टेप्स भी उजागर होने लगती हैं। अगर वो सवारी पॉजिटिव है तो भी, नेगेटिव अगर कोई सवारी है तो ज़रूरी नहीं कि हर बारी स्टेप्स उजागर हों, और कोई पित्तर है उस केस में भी स्टेप्स उजागर होती हैं कि फर्दर कम्युनिकेशन एस्टेब्लिशमेंट होती है। तो तीन चीज़ यहाँ पर डिफरेंस जो देखने को मिलता है, अगर कोई देवी शक्ति होगी तो आगे नेक्स्ट सपने में कुछ ना कुछ आपको और अच्छा देखने को मिलेगा, या उस पर्टिकुलर एंटिटी का चेहरा दिखेगा, या वो बताएगी मैं कल्याण करने के लिए आ रहा हूँ या आ रही हूँ। हो सकता है आपको पितर दिखे तो आपको पर्टिकुलर परिजन मृत परिजन बार बार दिखेगा, या अगर कोई भूत प्रेत हुआ तो अनजान डरावनी शक्ति भी दिख सकती है, या हो सकता है आपको कोई ना दिखे, बस आप पे पोजेशन हो चुका है इस बात का इंडिकेशन उस नेगेटिविटी ने आपको दे दिया, और उसके बाद से ज़िंदगी में फट्टे लगने शुरू हो जाते हैं, काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। तो हर एक की अपनी इंटरप्रिटेशन होती है कि क्या उन्होंने देखा है। तो इसीलिए हमेशा बार बार कहता हूँ, जो भी आपको सपने आते हैं राइट देम डाउन, उनको लिख लिया करो, और जो भी आपने सपने में देखा उसको चित्रण कर लिया करो, उसकी ड्राइंग बना लिया करो जो अभी आपने देखा, तो उससे आप बहुत हद तक अपने केस को समझ पाओगे कि क्या आपके साथ हो रहा है, उस चीज़ को समझ पाओगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस तरीके की कोई आपको दिक्कत हो रही है कि आप पे सवारी आ रही है, आपको सपने में दिख रहा है, और उसके बाद प्रॉब्लम्स अगर बढ़ रही हैं लाइफ में, आपके शरीर पे भार आ रहा है, आपको दिक्कत आ रही है, तंग हो रहे हो, काम नहीं बन रहे हैं, क्लेश बढ़ रहा है, दुर्घटनाएँ हो रही हैं, हादसे हो रहे हैं घर में, तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव एनर्जी ही है। वैसे तो किसी की भी सवारी शरीर पर लेना ठीक नहीं है, आपका शरीर सिर्फ आपके लिए बना है, ना ही किसी पितर के लिए बना है, ना ही किसी भूत प्रेत के लिए बना है, ना ही किसी और स्पिरिचुअल एंटिटी के लिए बनाया है। हर एक्चुअली होता क्या है, लोगों ने देवी देवता के कॉन्सेप्ट को बहुत हाई एंड प्योर बना रखा है। आप एसोसिएट करते हो उन देवी देवताओं से जिसके बारे में आपने पढ़ा है, पर एक्चुअल में वो देवी देवता कभी भी नहीं आते शरीर पे। जो देवी देवता आते हैं वो भी उच्च बली आत्माएं होती हैं, जो अपने आप को देवी देवता का दर्जा दे देती हैं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड, और उसमें भी उनके अंदर वही मानव रूपी अवगुण होते हैं, कमियां होती हैं, अपने हिसाब से चलाने की एक मंशा होती है। तो कई दफ़ा उसमें भी अपने शरीर पर राज्य के लेने के बाद लोगों के ऐसे फट्टे लगे हैं, ऐसे बर्बाद हुए हैं लोग। मेरे पास जो केसेस आते हैं जहाँ राज्यों के शरीर पर देवता ले लिया, कोई बोले दे शक्ति ले ली कि अब सब कुछ अच्छा होगा, उल्टा सब बिगड़ता चला गया, गुलाम बन जाते हैं जीते जी उस एनर्जी के, और वो नचाती अपने हिसाब से कि दो पूरी से ऊपर नहीं खानी, अब मैं यहाँ चल रहा हूँ ये करो। हर वक्त दिमाग परेशान रहता है, मतलब आपकी अपनी लाइफ नहीं रहेगी बिकॉज सम अदर एक्सटर्नल फोर्सेज विद यू। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि अगर आपको अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीनी है, अपने हिसाब से जीनी है, अपनी मर्ज़ी से जीनी है, तो किसी भी तरीके की पारलौकिक शक्ति, आत्मिक शक्ति,
पित्तर इन सबको अपने शरीर पे आपको हावी नहीं होने देना। अगर फिर भी लग रहा है कि कोई फोर्सफुली आपके ऊपर आ रहा है, सवारी आ रही है, तो आप मेरी धुनी मंगाइए, घर में जलानी शुरू कीजिए, मेरे क्रिया वाले नारियल मंगवा के उनसे अपना उतारा कीजिए और नारियल को जलाइए हवन कुंड में। हर तरीके की ऐसी शक्ति आपका शरीर को छोड़ेगी। उसके अलावा मेरे द्वारा अभिमंत्रित कवच या लॉकेट धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए, इससे हमेशा आपका बचाव होगा। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। अगर आपको धुनि मंगानी है तो सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा आप कवच या लॉकेट भी यहाँ से मंगा सकते हैं, अपनी कुंडली भी बनवा सकते हैं। अगर शरीर में दर्द रहता है तो मेरे द्वारा भी मंत्रित तेल मंगवा के उससे मालिश भी कर सकते हैं। पेड कॉल कंसल्टेशन बुक करके अपने केस के विषय में फ़ोन पर बात भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी, वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा जहाँ से आप सामान मंगा सकते हैं। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।